हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीआरडीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज आउट की गई। 1900 प्लस परमानेंट पोस्ट है। प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट पोस्ट है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की डिटेल रहेगी, इम्पॉर्टेंट डेट मीन्स क्लोजिंग डेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है, एप्लीकेशन फी, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया और कहां पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में शॉर्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले ये ग्रुप सी के लिए पोस्ट है। ये सारे जो पोस्ट हैं ये पहले ग्रुप सी के लिए है और इसके बाद ये सारे जितने भी आपको नजर आए 201 से लेके 221 तक, मतलब 21 डिफरेंट पोस्ट हैं जो कि ग्रुप सी में है। और इसी तरीके से ग्रुप बी में अगर बात करें तो ग्रुप बी में इतने सारे हैं वैकेंसीज, 101 से लेके 101 से लेके 101 से लेके 123 तक, मतलब 22 वैकेंसीज इधर, 22 डिफरेंट पोस्ट ग्रुप बी में है और बाकी ग्रुप सी में है। नोटिफिकेशन रिलीज कहां से की गई है? नोटिफिकेशन रिलीज की गई है डीआरडीओ की तरफ से और सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTAM। तो डीआरडीओ CEPTAM की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 3 सितंबर 2022 से और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 23 सितंबर 2022। और एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकेंगे, मींस एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है, मींस क्वालिफिकेशन किस डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए या एज किस डेट से कैलकुलेट करें, तो वो भी है 23 सितंबर। टीयर वन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, डीआरडीओ वेबसाइट पर उसकी डेट अनाउंस की जाएगी। सबसे पहले सेक्शन A1 में जो ग्रुप बी पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्टेरियल, इसके लिए पे स्केल कितनी है? पे लेवल 635,400 से लेके 1,12,400 की बेसिक पे है। ये बेसिक पे 35,400 की बेसिक पे, मतलब 55,000-60,000 मंथली आराम से स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। एज लिमिट यहाँ पे, एज क्राइटेरिया 18 and 28 years, means minimum 18 and maximum 28 years। ये जो maximum upper age limit है ये general category के लिए, age में relaxation दी जाती है category candidates को government of India norms के हिसाब से। इसमें जो post है वो भी हम देखेंगे। इस पहले हम देख लेते हैं कि group C के लिए क्या क्या age की criteria है और क्या salary की criteria है। अभी ग्रुप सी टेक्नीशियन, ग्रुप सी में नॉन गेस्टेड, इसमें पे स्केल है लेवल 2 19,900 से लेके 63,200 की बेसिक पे है। 19,900 की बेसिक पे, मतलब 35,000-38,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, हर साल सैलरी बढ़ती रहती है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है, 18 and 28 years, अपर एज लिमिट 28 years। लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है और अगर किसी कैटेगरी के हैं कैंडिडेट तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन रहेगी। तो सबसे पहले ग्रुप सी से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ऑटोमोबाइल है, ट्रेड और डिसिप्लिन में बता देती हूँ, सभी ट्रेड और सभी डिसिप्लिन के लिए 10th पास होना ही होगा मिनिमम। परसेंटेज की बात नहीं की गई है लेकिन 10th पास होना होगा या इक्विवेलेंट, और साथ में एक ITI अगर किया हुआ है आपने कंसर्न्ड ट्रेड में, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर करना है तो ऑटोमोबाइल ट्रेड में या ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में अगर आपने ITI किया हुआ है। तो अभी मैं पोस्ट के नाम बता देती हूँ, ये सभी हैं टेक्नीशियन ए, ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, सीकोपा, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मिल राइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टील शीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, ये सारे पोस्ट हैं। 826 पोस्ट हैं, इन सभी में 10th पास होना होगा और एक ITI की सर्टिफिकेट कंसर्न्ड जो वेल्डर है तो वेल्डर के लिए ITI की सर्टिफिकेट होनी होगी। अब इसमें जो है सभी में 7th PC से मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी नेशनल पेंशन स्कीम। टाइप, टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, कैंडिडेट मस्ट गिव देयर प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग टू वेरियस स्टेशन, तो आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर जहां पर भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी। अभी ग्रुप बी में क्या क्या पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए वो देख लेते हैं। ग्रुप बी में
जूलॉजी सबसे लास्ट में जूलॉजी है जिसमें बीएससी डिग्री इन जूलॉजी मांगा गया है, बस इतना ही। टेक्सटाइल है तो बीएससी इन टेक्सटाइल मांगा है, मीन्स ग्रेजुएशन इन टेक्सटाइल मांगा गया है। या फिर डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी में बीएससी इन साइकोलॉजी, या फिर बीएससी अगर बीए भी होगा आई थिंक बीए साइकोलॉजी भी तो कर सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर बीएससी ही अगर लिखा है तो बीएससी होना होगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्री इन, इसमें कैसा है, ग्रेजुएट जो है साइंस ग्रेजुएट कंसर्न डिपार्टमेंट में, या फिर डिप्लोमा की है, या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने, तो मतलब बी बी टेक डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है उसमें साइंस ग्रेजुएट है, या फिर डिप्लोमा है, या फिर एक बी बी टेक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफी है, मेडिकल लैब है, मेडिकल लैब में 12th वाले भी कर सकते हैं अगर साइंस से किया है, लेकिन 2 साल अगर डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी में, थोड़ा बहुत चेंज है वो आप देख लें। मेटलर्जी में साइंस वाले नहीं कर सकते, डिप्लोमा होना होगा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले कर सकते हैं अप्लाई, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं जिसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैथमेटिक्स में प्योरली बीएससी इन मैथमेटिक्स है, या फिर अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके ग्रेजुएशन की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस है, डिग्री होनी चाहिए साइंस में और 1 साल की डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन है, बीएससी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन या डिग्री है या डिप्लोमा, डिग्री तो नहीं लिखा है इसमें, हाँ लिखा है डिग्री या डिप्लोमा दोनों चलेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं देख लें, कंप्यूटर वाले बहुत कैंडिडेट रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले सिर्फ कर सकते हैं अप्लाई। केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री, या फिर आपने पीसीएम जेडबीसी पीसीबी लेके ग्रेजुएशन की है, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, या फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन लेकर भी ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, बॉटनी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आप स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं पर डिप्लोमा चाहिए, कहीं पर बीएससी चाहिए, कहीं पर बीएससी डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग, कुछ भी चलेगा। तो ये इतने पोस्ट हैं, टोटल मैंने आपको बताया 1900 से ज्यादा पोस्ट हैं। अभी इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब एग्जाम सेंटर कहाँ पर होंगे ये भी देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको बताया गया है, स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं। फिलहाल जो है नोटिफिकेशन वेबसाइट पर ठीक से ओपन नहीं हो रही है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट रिगार्डिंग एज मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एटसेट्रा एप्लीकेबल टू एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम एंड एमसीपी एटसेट्रा कैंडिडेट्स। तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं जो मैंने हाईलाइट किए इनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एज में रिलैक्सेशन जैसे कि मैं कब बाकी के एडवर्टीजमेंट देखती हूँ तो एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की होती है, तो वैसे यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर लिख भी दिया गया रहेगा। एग्जामिनेशन सिटीज कहाँ कहाँ पर है ये देख ले, एग्जाम की सिटीज जो है पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं आप। मेन मेन सभी सिटीज दे दिए गए हैं, टोटल 39 सिटीज हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी सिटी रहेगा वो आप रेफरेंस में एग्जाम के लिए दे सकते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होने वाली है वो चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एस टी ए बी, जो ग्रुप बी पोस्ट है उसके लिए, एस टी ए बी पोस्ट के लिए टीयर 1 होगा, टीयर 2 फाइनल सिलेक्शन, और टीयर 1 सीबीटी होगा। टीयर 1 एंड टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, को टीयर 1 टीयर 2 दोनों जो है मल्टीपल चॉइस। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए टीयर 1 होगा, टीयर 2 में ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, मतलब तो सीबी टीयर 1 में एग्जाम होगा कंप्यूटर पर मल्टीपल चॉइस, और टीयर 2 में सिर्फ स्किल टेस्ट होगा, जो भी स्किल मांगी गई है वो। अब ये इस तरीके से क्वेश्चंस और ये रहेंगे टीयर 1 में। सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, ये यहाँ पर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट्स के एग्जाम रहेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक ए, ये टेक ए के लिए इस तरीके से दिया गया है।
क्या कितने कितने का क्या क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी कहाँ लिखी हुई है वो देखते हैं। एप्लीकेशन फी लिखा है नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 100 रुपीज इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। और इसमें जो है एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, ऑल वीमेन कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको कोई फी नहीं देनी है। साथ में एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड ईएसएम कैंडिडेट को भी कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल वीमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड ईएसएम कैंडिडेट। तो बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, उनके लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फी रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट ये CEPTM 10 DRTC ये है, बट ये क्लिक करने से अभी पीडीएफ में कुछ एरर आ रहा है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है इसके लिए आपको वेट करना होगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी आप मेरे वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल्स फिलहाल के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, 3 सितंबर से चालू होने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इस एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर दिया है इन्होंने लिंक, बट जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें एरर है, मतलब कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, नथिंग इज ओपनिंग हियर। सो वी मे हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज, मे बी 2 डे 3 डे या एक दिन में ये ठीक करते हैं। इनमें कोई कंप्लेन अगर करेंगे लॉन्च तो शायद ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक फिलहाल के लिए मैं आपको अपने इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रही हूँ, आप टाइम टू टाइम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।